सड़क को देखने से सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि सड़क इस्तेमाल होता है गाड़ियों के आने जाने के लिए, लोगों के चलने के लिए और गाड़ियों के, पर इन सब चीज़ों के बीच अगर इसी सड़क में किसी का अंतिम संस्कार हो तो बेहद ही अजीब और अटपटा नज़र आएगा। पर यह मामला सच है। ये मामला आया है मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के अजनोल गांव का, जहां पर एक महिला को, एक बुजुर्ग महिला जिनकी मृत्यु हो गई थी, उन्हें मरने के बाद वहाँ शमशान नहीं होने के कारण सड़क पर उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। ये बात सच है। वैसे तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है और कहती है कि हर व्यक्ति के पास एक घर होना चाहिए, हर परिवार के पास एक घर होना चाहिए और साथ ही बड़ी बड़ी योजनाएं निकालती हैं, पर उन सब को के बीच एक मामला ऐसा सामने आया जहां एक महिला, एक बुजुर्ग महिला जिनकी मृत्यु हो गई, उसे उसके अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को एक जगह नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्हें सड़क पर ये कार्य करना पड़ा। इस बारे में हम जानेंगे इंडियन न्यूज़ के न्यूज़ रूम से, चर्चा करेंगे हमारे सहभागियों से, हमारे सहकर्मियों से और उनकी राय इस पर हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं इंडियन न्यूज़ के न्यूज़ रूम में। पहुंच चुके हैं इंडियन न्यूज़ के न्यूज़ रूम में और अब हम अंदर चल कर जानेंगे हमारे सहभागियों की राय। सबसे पहले, क्योंकि ये जो घटना हुई ये एक सड़क पर हुई, जिस जो ये दिखाती है कि शासन प्रशासन जो है इस पर कोई कदम नहीं उठाए हुए थे और इस तरीके की घटना हुई जहां पर एक बुज़ुर्ग महिला को सड़क के बीचों बीच उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा, तो क्या ये शासन प्रशासन की एक बहुत बड़ी नाकामयाबी है? ये भिंड जिले के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है, वहां पे ऐसा मामला सामने आया है कि एक वृद्ध महिला को शमशान नहीं नसीब हुआ, दो गज की जगह नहीं मिली उसे, बीच सड़क पे जलाया गया। लेकिन उसका थोड़ा दूसरा भी तथ्य है कि बगल में पानी वगैरह, खेत में पानी वगैरह था भरा हुआ, तो वहाँ नहीं जा पाए। लेकिन जो मुक्तिधाम के लिए पैसे मंजूर हुए विकास कार्य के लिए, वो नहीं लगाया गया और मुक्तिधाम नहीं बनाया गया, तो इसमें सीओ ने सरपंच को नोटिस जारी करके मांगा है कि भाई आपको पैसे दिए गए थे तो आपने काम क्यों नहीं किया। और एक इसमें सीधा तथ्य पे जाओ तो भाई आपको और सभी लोगों को, ठीक है, मतलब जो प्रशासन में है और सरपंच वगैरह हो गए, तो इनको कार्य करना चाहिए, बीच में देखना चाहिए कि हमारे पास मुक्तिधाम है कि नहीं है, बरसात की तैयारी है कि नहीं है और लोग कहाँ पे अपना अंतिम संस्कार वगैरह करेंगे। और इसकी जांच हो रही है और इसमें बहुत जल्द फैसला आएगा। तो क्या आप मानते हैं कि ये शासन की नाकामयाबी है? देखो, ये तो मेन नाकामी, सरपंच के पहले वार्ड मेंबर होता है, चाहे नगर निगम में जाओ चाहे पंचायत में जाओ, वार्ड मेंबर होता है इसमें। तो सबसे पहले मैं सरपंच और वार्ड की, जो वार्ड का पंच होता है उसकी जवाबदारी, इन दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसी दिशा में प्रशासन ने नोटिस जारी किया हुआ है। अब हम प्राची से जानना चाहेंगे कि मुक्तिधाम बनना किसी भी क्षेत्र में कितना आवश्यक है। जैसे कि घटना सामने आई है कि महिला को सड़क के किनारे ले जाकर सड़क के बीचों बीच उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये वाकई मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है जो सामने आई है। जैसे कि लोगों को आवाज़ दिलाने का सरकार का वादा होता है, तो उनको बेशक बनने के बाद मुक्तिधाम दिलाने का भी बिल्कुल अधिकार है, और जो कि उनको नहीं मिला, ये वाकई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम संगीता से ये जानना चाहेंगे कि अगर इस प्रकार की घटना होती है तो जो लोग हैं उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए, वो किस तरीके से अपना संदेश प्रशासन या शासन तक पहुंचा सकें? जिस प्रकार की घटना सामने आई है, तो पहली बात तो ये कि हमारा समाज भारतीय संस्कृति वाला समाज है और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के संस्कार हैं जिसमें एक मृत्यु संस्कार भी अपनी अहम भूमिका रखता है। तो सरकार ने तो इसके एक पहलू तो ये भी हो सकते हैं कि सरकार ने पैसे उपलब्ध कराए हैं, ठीक है। सरकार ने यदि पैसे उपलब्ध कराए हैं तो ये स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो उस स्थान पर जो सुविधा नहीं है उस सुविधा को उपलब्ध कराए और यदि और इस पर कार्यवाही करें कि क्या, मतलब मेन जड़ तक पहुंचे कि आखिर कारण क्या है, गलती किसकी है, सरकार की, मेन सरकार की या स्थानीय प्रशासन की, इसकी जांच की जाए।
जिस तरीके से ये घटना हुआ उसके बाद जो उनके परिजन थे उन्होंने बीच सड़क पर उस बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार किया, उन पर क्या आप बीती हुई होगी? विकास के लिए सरकार हर साल पैसे खर्च करती है गांव और शहर पे, पर अभी तक गांव में एक भी मुक्तिधाम नहीं बन पाया है। गांव वालों ने अपनी समस्या को लेकर अधिकारियों से बात की पर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। इस पर सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सबसे पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो गांव एरिया में जाकर मुक्ति धाम के लिए एक अच्छा कदम उठाएं और बनवाएं अलग अलग जगह, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो अभी केस सामने आया है उसमें जिस तरह की हरकत हुई है वो बहुत ही शर्मनाक हरकत है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो गवर्नमेंट को इसका ख्याल रखना चाहिए, आगे से ऐसा कुछ ना हो इसका उनको ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। हम कानस्कर जी से जानेंगे कि उस परिवार पर, उन परिजनों पर उस समय क्या बीती होगी जिस वक्त एक बुजुर्ग महिला जिनकी मृत्यु हो गई, उन्हें 2 गज जमीन तक नहीं मिली उनके अंतिम संस्कार के लिए, उनके परिजनों पर जब वो बीच सड़क उस महिला का अंतिम संस्कार कर रहे थे, उन पर क्या बीती होगी? देखिए, मध्य प्रदेश के भिंड जिले के ग्राम अजनौर में जो घटना हुई उससे ये एक आईना दिखाया है समाज को कि आज़ादी के 75 साल बाद भी गांव-गांव में मुक्तिधाम नहीं है, और जिला पंचायत से जो राशि आती है उसकी बराबर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए कि उसका खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस बुनियादी कार्य पर। जिला पंचायत इसके मुआयना करते नहीं है। ग्राम पंचायत में जो जनप्रतिनिधि और सरपंच रहते हैं ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते, कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको जो प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए वो भी नहीं दिया जाता है। इस कारण इस तरह की घटनाएँ सामने आती है। तो जिला पंचायत को ये चाहिए कि जो राशि होती है, जो घर घर शौचालय हो, मुक्तिधाम हो, जो बुनियादी जो चीज़ें हैं उस तरफ खर्च होना चाहिए, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से पैसों के बीच हेर फेर होता है और पैसे जिस कार्य के लिए दिए जाते हैं उस पर इस्तेमाल नहीं होते, उसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? इसके लिए सरपंचों का सम्मेलन बुला के, शिविर बुला कर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस तरह के काम होते रहे लेकिन इसमें ठहराव नहीं आना चाहिए, ये काम नियमित होते रहना चाहिए। अब हम इनसे जानेंगे कि आखिर इस घटना जो हुई उस पर परिजनों ने बीच सड़क पर महिला का अंतिम संस्कार किया तो वो किस हद तक सही था? क्या इतना आवश्यक था उन परिजनों का सड़क पर ही उस महिला का अंतिम संस्कार करना? सड़क पर उनका अंतिम संस्कार करना मतलब एक शर्मसार घटना है जो सभी को झकझोर दिया है, और ग्राम पंचायत में मुक्तिधाम नहीं होने से उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि खेतों में पानी भरा हुआ था। और सरकार जब जननी योजना चला रही है तो उनके अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्था करे, और पंचायत को चाहिए कि गांव के ग्रामीणों को मरने के बाद 2 गज जमीन के लिए मुक्तिधाम की व्यवस्था करें। हम सुनील जी से भी यही जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार उनके परिजनों ने सड़क के बीचों बीच जहां गाड़ियां चलती हैं, लोग चलते हैं, हम जब सड़क को देखते हैं तो गाड़ियों के आने जाने के नाम से ही उसे पहचानते हैं, वहां पर एक परिवार ने एक बुजुर्ग महिला, उनके परिवार की एक सदस्य बुजुर्ग महिला का वहां पे अंतिम संस्कार किया, तो वो किस हद तक सही है? जी तनिष्का, आपको बता दूँ कि जो घटना है मध्य प्रदेश की जिले के भिंड जिले की घटना है, और इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की जो दावे के जो पोल है वो खोलती दिख रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, वो स्वयं उनका विधानसभा क्षेत्र है, और साथ ही जो अन्य कैबिनेट मंत्री हैं जो अपने भदौरिया जी हैं, तो मध्य प्रदेश शासन में 2 जिम्मेदार ऐसे लोग हैं जिनका स्वयं का विधानसभा क्षेत्र है, तो वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जो इस तरह की सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं वहां के लोगों को नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि प्रदेश में वो किस तरह से विकास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के जो विकास के जो दावे करते हैं, सरकार के बहुत सारे फंड आते हैं, ये शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि दावों की ये पोल खोल रही है इस खबर जी। क्या आप इस पे ये भी कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है कि एक बुजुर्ग महिला का बीच सड़क अंतिम संस्कार करना पड़ा? जी बिल्कुल, ये शासन की कहीं ना कहीं क्या पूरी तरह से लापरवाही है, जिसको लेकर के ग्राम पंचायत के सदस्यों ने, जिम्मेदार लोगों ने, ग्रामीणों ने कई बार शासन के जो ऊंचे पद पे जो आसीन लोग हैं उनको अपनी समस्याओं से अवगत भी कराया है, लेकिन आज दिनांक तक उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, जिसका नतीजा है कि इस बरसात के मौसम में परिजनों को जो दुख की घड़ी होती है, परिवार कोई भी सदस्य
जब मृत होता है तो उसका अंतिम संस्कार भी पूरी विधि विधान से होना चाहिए, और उस परिवार पे जब घर का कोई मुखिया या घर का कोई सदस्य का देहांत होता है तो वो किस दुख में रहता है, और उसके बाद इस तरह के उस व्यक्ति की अंतिम संस्कार हो, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इस तरीके की परेशानियों से उभरने के लिए जो ग्रामीण है या जो लोग हैं उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए? निश्चित तौर पर इस पर ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसको लेकर के ग्रामीणों के जो है वो जिम्मेदार अधिकारियों को इस ओर संज्ञान देने की आवश्यकता है कि ये जो खबर है मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के आंखों तक कानों तक पहुंच चुकी है, और इसके बाद भी अगर सरकार नहीं जगी तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार में जिम्मेदार जो लोग हैं वो उम्मीदों पर खड़े उतर रहे हैं देश के लोगों को। तो ये थी हमारे इंडियन न्यूज़ के न्यूज़ रूम के हमारे सहभागियों की प्रतिक्रिया। उन्होंने अपनी राय तो रखी, पर साथ ही ये जो मामला है ये बेहद ही परेशानी भरा है। लोगों को इससे, सरकार को भी इससे ये सीख लेनी चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं अगर हो रही हैं तो उस पर कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए। इसी तरह से हम आपसे मिलते रहेंगे और भी नए टॉपिक्स और भी नई चीज़ों के साथ, घटनाओं के साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे और प्रतिक्रिया लेते रहेंगे हमारे इंडियन न्यूज़ के न्यूज़ रूम से। तो आज हमने इंडियन न्यूज़ के न्यूज़ रूम की हमारी टीम से उनकी प्रतिक्रिया जानी इस मामले में। उन्होंने अपनी राय रखी और बताया कि क्या सही था क्या गलत था, उन्होंने अपनी राय हमारे सामने रखी। हम यूं ही और भी अलग टॉपिक्स के साथ आपसे मिलते रहेंगे और उस पर जानेंगे इंडियन न्यूज़ के न्यूज़ रूम से हमारी टीम की प्रतिक्रिया। तब तक के लिए आप बने रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ।